दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में होश में आते ही आर्यन करेगा कुछ ऐसा कि आदित्य के भी होश उड़ जाएंगे। देखने को मिलेगा कि आर्यन को होश आते ही इमली उसे ऐसा कुछ नहीं बताने वाली है, लेकिन आदित्य अब आर्यन और आदित्य का दोनों का आमना सामना होगा, जो कि अब लाएगा कहानी में ट्विस्ट। दरअसल आदित्य साफ आर्यन से कह देगा कि ये जो भी नाटक हुआ है और ये जो तमाशा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपने हमसे भला लेने के लिए किया है। तो आर्यन कहता है कि अगर सच्चाई जान ही चुके हो तो जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब भाई आर्यन सीधा ऑफिस पहुंचने वाला है और वहां पर आर्यन की आदित्य की सबसे बड़ी गलती की वजह से जो तमाशा हुआ है उससे कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी फर्क पड़ेगा आर्यन की कंपनी का, जिसके बाद नहीं यहाँ पर वो बड़ा फैसला लेते नजर आएगा और आदित्य को सलाखों के पीछे भिजवा देगा। लेकिन जाते जाते आदित्य भी कह ही जाता है कि उसने भी इमली को मोहरा बना कर ही उसके साथ में जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ इमली को मोहरा बना के किया है। आप अकेले कभी लड़ ही नहीं सकते मिस्टर आर्यन सिंह राठौड़, जो इंसान पीछे से वार करता हो वो इंसान कैसा हो सकता है ये हम अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन इसकी कीमत भी आपको चुकानी ही पड़ेगी। और आदित्य सीधी सीधी आर्यन को धमकी देकर जाता है। तो भाई इमली यहाँ पर आर्यन को इन सब चीज़ों के लिए रोकते नजर आएगी और कहेगी कि आदित्य सर कभी भी जानबूझकर ये गलती नहीं करेंगे कि उन्होंने गलत जानकारी दो। और उसके बाद में वो उन एम्प्लॉयज़ को सामने लेकर आएगी जिनसे वो सुन लेती है कि उन्होंने जानबूझकर उन आदित्य को फंसाया है। इसके बाद यहाँ पर आर्यन के सामने सच्चाई आएगी कि उन दो एम्प्लॉयज़ ने आदित्य को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और यहाँ देखने को मिलेगा कि इमली आर्यन को रोकते नजर आने वाली है, लेकिन तब तक आदित्य सलाखों के पीछे होगा और आर्यन एक ही शर्त रखेगा कि अगर तुम भी सच्चाई जान चुकी हो तो ये भी जान लो कि आदित्य सलाखों से बाहर तभी आएगा जब वो उसे शादी रचाएगी। इसके बाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आर्यन की शर्त मानने के अलावा इमली के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। यही वजह होगी कि इमली आर्यन से शादी करने के लिए बिना मर्जी के ही एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाली है, जो कि अब आदित्य की भी होश उड़ा देगी।